परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके लिए, आपने आपके महान प्रेम के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जाते हैं। एक एक वचन प्रभु आपका ताया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड, और जब ये हमारे हृदय में आता है और हम इसे अब इस पर भरोसा रखते हैं, इस वचन के अनुसार जीवन में वचन के अनुसार चलते हैं, उस वचन का पालन करते हैं, तो इस वचन की सामर्थ और उससे जुड़ी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होती है और हमारा जीवन इस सिद्धता में आगे बढ़ता है कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना और उसको फॉलो करने से वही प्रतिफल मिलता है जो वचन में लिखा है, और हम सब विश्वास करने वालों का जीवन जो उसके वचन को सुनते हैं और अपने जीवन में लागू करते जाते हैं, हम स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हैं और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनने लगते हैं, और हमारा स्वभाव परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के स्वरूप में परिवर्तित होने लगता है, और धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन परिवर्तित होकर परमेश्वर की महिमा के योग्य बन जाता है। हम प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे जीवन को अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए कलीसिया की स्थापना की और सब लोगों को सुसमाचार देकर कलीसिया में एकत्रित होने के लिए बोला, ताकि हम कलीसिया में मसीह की देह का अंग बने और पवित्र आत्मा हमें मसीह की आत्मा से परिपूर्ण करे और हम सब सिद्धता में जीवन व्यतीत करने में परिपक्व हों और सिर्फ उसकी महिमा प्रकट हो और उसी का नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। आज हम लोग उस सब्जेक्ट को जो हम चल रहे थे उसको थोड़ा सा ब्रेक दे के एक विषय जो कल खुला है कि दो पहर से तीसरे पहर तक अंधियारा छाया है, ये अंधकार के विषय में ये एक रूपक है। परमेश्वर के वचन में आपको रूपकों की बहुत भरमार मिलेगी। रूपक का मतलब होता है कि कुछ ऐसी बातें बोली जाती हैं जिनके गहरे मायने होते हैं, और आप जितना उस रूपक की गहराई में जाएंगे उतना आप सत्य प्राप्त करेंगे, इसी को रूपक बोला जाता है। परमेश्वर का वचन रूपकों के रूप में सत्य रखा हुआ है, क्योंकि लोग रूपक को नहीं खोल पाते, उसका उसके रहस्य को नहीं तोड़ पाते, इसलिए वो सत्य नहीं प्राप्त कर पाते, वो बाइबल की भाषा में फंस जाते हैं। भाषा का सबसे ज्यादा खेल होता है रूपक। अब ये अंधकार एक रूपक है और इस रूपक को हम लोगों को समझना है कि ये रूपक, इसके द्वारा परमेश्वर हमको कुछ सत्य बता रहा है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह या पिता परमेश्वर या परमेश्वर का आत्मा भविष्यवाणी के द्वारा या किसी भी रूप में आपसे बात करेगा, वचन के द्वारा भी बात करेगा, तो रूपक जरूर आएगा। रूपक को इंग्लिश में मेटाफर बोलते हैं, और इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको एक छाया बोल सकते हैं, शैडो। शैडो का मतलब कि परछाई जो स्पष्ट नहीं है और सत्य की रोशनी में वो परछाई स्पष्ट हो जाती है। जैसे किसी हमारी हमारा ही एक आर्टिस्ट एक हमारे हमारी चेहरे का स्केच बनाए और हमारी रियल फोटो बगल में लगी हो, तो जो स्केच है ये छाया है, शैडो। इसमें हमारा चेहरा ज्यादा स्पष्ट नहीं, लेकिन देखने वाले पहचान जाएंगे कि ये मेरा चेहरा है, ये इनका चेहरा है, लेकिन जो हमारी पूरी पिक्चर होगी फोटो कैमरे से खींची हुई वो एक ऐसी पिक्चर होगी जो बिल्कुल स्पष्ट होगी, उसमें लाइट है और शैडो में लाइट नहीं है। पुराना नियम
पूरा शैडो कहलाता है, और नया नियम पुराने नियम की रोशनी है। तो जब आप नए नियम के अनुसार पुराने नियम में जाएंगे तो आपको सत्य दिखाई देगा। ये परमेश्वर के वचन की खूबी है, और इसीलिए हम लोग आज इस छाया का या इस रूपक का, मेटाफर का, बाइबिल में अंधकार का क्या अर्थ है इसको हम लोग देखेंगे। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप पद पढ़ेंगे तो आपको बार बार ये रिपीटेडली मिलेगा। बाइबल अंधकार को बुराई, पाप और अज्ञानता का प्रतीक बताती है। किस किस बात का प्रतीक है? पाप, अज्ञानता, बुराई का प्रतीक अंधकार। जब आपसे यह कहा जाए कि अंधकार के कामों को छोड़ दो, तो इसका मतलब कहा यह जा रहा है कि बुराई, पाप और अज्ञानता के कामों को छोड़ दो। अज्ञानता के काम कौन से हैं? जो प्राचीन काल से लोग करते चले आ रहे हैं, जिसमें अगर आप लॉजिकली देखें, मनोवैज्ञानिक तौर पर, जब विज्ञान बहुत एडवांस नहीं था तो उस जमाने में सब चीजें चल गई। उस जमाने में जिसको जैसा समझाया गया, समझाने के तरीके होते थे, बताने के तरीके होते थे, और कहानियों के द्वारा कुछ मॉरल टीचिंग्स होती थी, छोटी छोटी कहानियों में नैतिकता की बातें बताई जाती थी। क्या आज, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिए, क्या आज ये युग है? क्योंकि अब जो युग है ये ज्ञान का युग कहलाता है। इस ज्ञान के युग में वो मॉरल टीचिंग्स, नए नियम में लिखा है कि यहूदियों की कथा कहानियां, यहूदियों में बड़ी कथा कहानियां थी, छोटी छोटी कथाएं, और वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे क्योंकि उनके पास मनोरंजन के और कोई माध्यम नहीं, पुस्तकालय नहीं थे, बहुत कॉलेजेस नहीं थे, तो लोग इसी तरीके से एक प्रकार का अवेयरनेस था मॉरल टीचिंग का, और इसी में पारिवारिक और संबंधों के विषय में सब बातें की जाती थी। लेकिन देखिए, समय के साथ हमको बदलना भी है और समय के साथ चलना भी चाहिए। लेकिन क्या हम चल रहे हैं, या हम पौराणिकता को, रूढ़िवादिता को पकड़े बैठे हैं? ये बातें मालूम है बहुत हार्ड बातें हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही, इसी को मूल रूप से बोला था कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते। ये असहनीय हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको सहकर अपने दिल पे हाथ रख के एक बार सोचेंगे, कहेंगे परमेश्वर बोलता बिल्कुल सही है। बुरी इसलिए लगती है क्योंकि अगर हम इन चीजों में लिप्त होंगे तो हमको वचन चोट पहुंचाएगा। अगर हम चोरी कर रहे हैं और चोरी के विषय में वचन सुनेंगे तो हमको चोट पहुंचेगी, क्योंकि हम कर रहे हैं और हम छोड़ नहीं पा रहे, हम गाली दे रहे हैं, गाली के विषय में सुने, गाली मत दो, तो हमको चोट लगेगी। क्योंकि जो हम गड़बड़ी कर रहे हैं, जो हम गलत कर रहे हैं, उस गलत को छोड़ना क्या अनुचित है या उचित है? उचित है ना? आपको लगेगा कि इनपुट्स, देखिए आपके माइंड में, ह्यूमन माइंड, उसमें इनपुट, इनपुट का मतलब ये कान से जो अंदर जा रहा है, आप जो सुन रहे हैं, और आंख से जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इन दोनों में क्या समानता है? क्या आप सुन कुछ रहे हैं और देख कुछ रहे हैं? नहीं है ना समानता? आप सुन कुछ रहे हैं, देख कुछ रहे हैं, और बोल कुछ रहे हैं, तो आपकी ज्ञानेंद्रियां एक समान काम नहीं कर रही कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वही हम कर रहे हैं, वही हम देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? हम देख कुछ रहे हैं, सुन कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। इसीलिए नए नियम में लिखा है कि परिपक्व व्यक्ति, जो स्पिरिचुअली मैच्योर होता है, वो अपनी ज्ञानेंद्रियों पर के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों का द्वारा जयवंत हो जाता है। वो वही देखता है, वही सुनता है, वही बोलता है, वही करता है जो उसे देखना चाहिए, सुनना चाहिए, करना चाहिए। वो एक लाइन में आ जाता है, अलाइनमेंट हो जाता है। इसलिए बहुत सी बातें, क्योंकि अब हम लोग जिस लेवल में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, ये थोड़ा हार्ड लेवल है,
लेकिन ये मेच्योर लेवल इसलिए हार्ड है, जब आप ABCD शुरू करते हैं, प्री नर्सरी नर्सरी खेल खेल में पढ़ाई होती है, धीरे धीरे पढ़ाई में गंभीरता बढ़ने लगती है, और जब आप ग्रेजुएशन के पास और उसके आगे बढ़ते हैं तो बहुत गंभीर विषय है। आप जो यहाँ पे सुन रहे हैं उसको आपको पर्सनल स्टडी करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो आप बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं पाएंगे। आत्मिक उन्नति अगर आपका लक्ष्य है और होना चाहिए, बॉर्न अगेन हुए हैं तो स्पिरिचुअली परिपक्व भी होना है, आत्मिक जन्म हुआ है तो आत्मिक रूप से आपको व्यस्क भी होना है, परिपक्व भी होना, मैच्योर होना है। इसलिए आपको हार्ड बातों को भी समझना है। लेकिन अंधकार के बीच आशा है, प्रकाश धार्मिकता और सच्चाई का प्रतीक है, प्रकाश धार्मिकता और सच्चाई का प्रतीक है। बाइबल में अंधकार के समय में परमेश्वर की सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु मसीह को अंधकार में प्रकाश लाने के लिए भेजा गया था, ये दो लोग इसीलिए आए थे। और अब हम देखेंगे मूल प्रश्न, अंधकार क्या है अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अनुसार। बाइबल में अंधकार कई धारणाओं का प्रतीक, धारणाओं का मतलब समझते हैं, धारणाओं का मतलब कॉन्सेप्ट्स, प्रीसेप्ट्स और आपके मन में जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं कि आप जो मानते हैं कि हमारा मानना ये है। कई बार जो हम मानते हैं वही हमारा रिलीजन है। अब रिलीजन के अंदर भी हर व्यक्ति का अपना अपना रिलीजन है, कुछ कुछ कोई व्यक्ति कुछ मानता, कोई व्यक्ति कुछ मानता, तो सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं एक रिलीजन में भी, और इसीलिए उसमें और सब डिवीजन और सब डिवीजन और सब डिवीजन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ये आपको बहुत लाभ मिलेगा अगर आप इन बातों को समझने के लिए इंटरेस्टेड हैं। बाइबल में अंधकार कई धारणाओं का प्रतीक है जो अक्सर नकारात्मक पहलुओं से जुड़े होते हैं, नेगेटिव पहलुओं से जुड़े हुए धारणाएं वो अंधकार के रूप में दिखाई जाती है, अंधेरे के रूप में। ये प्रकाश की अनुपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, अंधकार जो है वो प्रकाश की यानी रोशनी नहीं है, इस बात को डिक्लेयर करता है या प्रकट करता है कि रोशनी नहीं है या सत्य नहीं है। और इसे भौतिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के रूप में पाया जा सकता है। अंधकार को ईश्वर और उसकी धार्मिकता से अलग होने की स्थिति के रूप में चित्रित किया गया है, जिसका उपयोग अक्सर उन लोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो पाप और अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए, साथ साथ पद देखते जाएं। यशाया नबी की पुस्तक और उसका 9 अध्याय, यशाया 9 अध्याय पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। ऊपर हेडिंग है शांति का राजा, ये यीशु मसीह के जन्म के विषय में भविष्यवाणी वाला भाग है। अब इसका पहला दूसरा पद पढ़िए, तो भी कब एक बच्चा पैदा होएगा, कुंवारी से जन्म लेगा और संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। जी पहले तो उसने जबुलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी।
ये यीशु मसीह के जन्म से संबंधित भविष्यवाणी का एक छोटा सा अंश है और यहाँ पे अंधकार का वर्णन है और यीशु मसीह को बोला गया है जगत की ज्योति। तो ये जगत में जो अंधकार था वो था क्या? गूढ़ प्रश्न। किस चीज को अंधकार बोला गया था वहां पे? है किस चीज को अंधकार बोला गया था? ना पाप तो आरंभ से आ रहा है। अंधकार बोला गया था रिलीजन। लोग रिलीजन में चल रहे थे, सबका अपना अपना रिलीजन था, यही अंधकार था। ये हार्ड है, ये असहनीय है, रिलीजन और अंधकार, क्योंकि फिलॉसफी है, ट्रुथ नहीं है। उद्धारकर्ता के बिना जो भी चीजें हैं वो फिलॉसफी है, वो ट्रुथ नहीं है। इसलिए यहां पर यह दिखाया जा रहा था और उसके आने का समाचार था ये, और इसलिए यहां पर अपने विभिन्न रूपों में अंधकार को बुराई के रूपक के रूप में देखा जा सकता है। यह दुष्टता, अनैतिकता और शैतान के कामों से जुड़ा हुआ है। जो लोग अंधकार में चलना चुनते हैं वे पापपूर्ण व्यवहार में लिप्त होते हैं और सत्य और धार्मिकता के बारे में उनकी धारणा विकृत होती है, बहुत यानी अजीब होती है, सत्य को लेकर विकृत होती है, उनकी धारणा विकृत होती है। उन्हें अक्सर परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने और उसके प्रकाश से अलग होने की विशेषता होती है। ये परफेक्ट बात है। जितने साल से हम सेवा कर रहे हैं मैंने यही रिजल्ट देखा है लोगों की जिंदगी में। भागते भागते जब सत्य को ग्रहण करने की बात आती भाग जाते हैं। जब तक उनको ये पता चले कि प्रभु देगा, बने रहेंगे, और जैसे ही पता चलेगा प्रभु देगा कुछ नहीं, पहले सत्य ग्रहण करना पड़े, भाग जाएंगे। उस जगह भागेंगे जहां उनके मन के मुताबिक उनको बोला जा रहा है और वो सुनकर प्रसन्न हो रहे। इसीलिए पौलुस ने लिखा अपने कानों की खुजली के कारण वह अपने लिए अपने मन के अनुसार उपदेशक बटोर लेंगे, और ये समय बहुत सटीक है कि सबके अपने अपने चॉइस है। चॉइस उपदेशक बटोरने की है, किसको किसको सुनना पसंद कर रहे हैं और क्यों। कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति को सुनना पसंद कर रहा है तो क्वेश्चन क्यों, और जो व्यक्ति को वो सुन रहा है अगर आप उसको सुने, और अगर आप सत्य से प्रेम करते होंगे तो आप कहेंगे कि यार ये व्यक्ति बिल्कुल गलत बोल रहा फिर भी इसको पसंद है, इसका मतलब उसको झूठ पसंद है, उसको वो चाह रहा है कि हमसे कोई चुपड़ी चुपड़ी बातें करे, मीठी मीठी बातें करे, उसको वो सुनना पसंद कर रहा है, और आप चिकनी चुपड़ी बातों से पसंद नहीं करते, आप सच्चाई पसंद करते, वो हार्ड होती है, तो आप सच्चाई को सुनना पसंद करें। आप आदत पड़ जाएगी आपको सुनने की, और जब आदत पड़ जाएगी ना वो सच्चाई आपके रगों में दौड़ने लगेगी अपने आप। सत्य के लिए कुछ करना नहीं है। मेरे साथ एक पद निकालिए, इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय, पांच अध्याय का 11 पद पढ़िए। अंधकार के निष्फल कामों के, अब ये देखिए अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी ना हो। अब यहां पे रूपक क्यों इस्तेमाल किया गया आप बता सकते हैं? रूपक क्यों? अभी हमने आपको बताया अंधकार का मतलब, लोग अंधकार में चल रहे थे, वो अंधकार क्या था? रिलीजन। ये रूपक क्यों इस्तेमाल किया गया? अगर रूपक का इस्तेमाल नहीं होगा तो लोग आग बबूला हो जाएंगे। रिलीजन को बोल रहे हैं, परमेश्वर भी बहुत होशियार है, कड़वी चीजें मीठी गोली बना के दे देता है, खानी तो पड़ेगी, और तुमको ये चीज समझ में आनी चाहिए। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह एक, और एक तरफ सारे रिलीजन, या आप यूं कह लीजिए एक तरफ प्रभु यीशु मसीह, एक तरफ सारे डिनोमिनेशन मसीहत में जितने भी मत हैं, एक तरफ इनको कर लीजिए, बात एक ही, कौन सही?
या तो ये डिनोमिनेशन सही है या यीशु मसीह। बाइबल से कौन क्लियर होता है? ये डिनोमिनेशन क्लियर होते हैं कि यीशु मसीह। तो सत्य क्या है? यीशु मसीह। ये डिनोमिनेशन सत्य नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छे से बेबी लेवल से बता रहे हैं कि कैसे आपको कंक्लूड करना है और अंडरस्टैंड करना है। यीशु मसीह रिलीजन लेकर नहीं आया, ये जीवन लेकर आया, और वो भी बरकत से भरा जीवन, चंगाई से भरा जीवन, सामर्थ्य से भरा जीवन, भलाई से भरा जीवन। और जीवन को लोगों ने पसंद नहीं किया, सब अपना अपना रिलीजन पकड़ के बैठ गए, और रिलीजन में मतभेद अंदर अंदर बहुत है। जितने आप एक रिलीजन के अंदर जाइए, एक सभा में, कोई भी एक सभा में, किसी की भी, वहां जितने बंदों से आप बात करेंगे, एक मुद्दा ले लीजिए, उस पर आप सबसे बात कीजिए, बाइट ले लीजिए, सबके विचार अलग अलग, सब अपना अपना विचार बताएंगे, मेरा मानना ये, मेरा मानना ये, मेरा मानना ये, मेरा मानना, एक मत है। किंगडम ऑफ सेटन का मतलब मालूम क्या? प्लेस ऑफ कंफ्यूजन। और प्लेस ऑफ कंफ्यूजन का मतलब एक मत, एक राय, एक स्वर ना होना, हारमोनी नहीं है, सब अपनी अपनी बोली, अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग। इसी को रूपक में बता दिया गया, अंधकार। अंधकार में क्या होता है? अंधकार में इस कमरे में जितनी चीजें रखी हुई, आपके आपका हाथ लगे कुर्सी पे तो आप कहेंगे हमें कुर्सी मिली, दूसरे का लगेगा टेबल पे, कहेंगे कुर्सी नहीं, हमको तो टेबल मिली। यही तो अंधकार है। अंधेरे में एक, देखिए ये रिलीजन को किसी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, एक हाथी, एक आदमी ने सूर पकड़ ली, उसने कहा ईश्वर जैसे है पतला लंबा सा, एक ने उसकी दुम पकड़ ली, नहीं ये तो छोटा सा है, उसमें पीछे बाल है, एक ने उसका कान पकड़ लिया, ये तो बड़ा सूप जैसा है, यह है ईश्वर। ये क्या है? अज्ञानता। ईश्वर जो महान है, उसका एक कोना एक ने पकड़ा, दूसरा कोना दूसरे ने पकड़ा, तीसरा, इसको आप बाइबल के उसमें लाइए, यीशु मसीह के कपड़ों को बांटा गया था, जिसने जो हिस्सा ले लिया कह दिया ये मसीह। पौलुस ने कहा मसीह बट गया। इतने डिनोमिनेशन में यीशु मसीह बटा हुआ है कि नहीं? तो पिक्चर तो कंप्लीट किसी के पास नहीं। एक ऐसी पजल परमेश्वर ने बनाई, और उस पजल को अगर सब लोग एक साथ बाइबल में पवित्र आत्मा के नजरिए से सब बैठ जाएं और वो सारे टुकड़े एक साथ कलेक्ट कर दें, तो मसीह का चित्र बनेगा कि नहीं? लेकिन सब एक एक टुकड़ा लेकर चलेगा अपना अपना, सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अपनी धार्मिकता की स्थापना करने में लगे हुए हैं। मसीहत के अंदर भी बता रहे हैं, परमेश्वर का न्याय कहां से शुरू होगा? कलीसिया से, कि कलीसिया जो बटी हुई है, और इसीलिए संसार में लोग रिलीजन में बटे हुए हैं, क्योंकि कलीसिया में ही सारी जाति के लोगों को मसीह में एक होना है। जब कलीसिया ही बटी हुई है तो संसार में रिलीजन, संसार रिलीजन में बटा रहेगा, तो प्रॉब्लम कहां से है? कलीसिया से। मूल पाठ पकड़िएगा, परमेश्वर एकदम जो सही जगह वहीं से न्याय शुरू कर रहा है। अपने आगे पढ़ दीजिए, वहां हम लोग जा पढ़ रहे थे, फिर से पढ़िए, अंधकार के निष्फल कामों को कामों में सहभागी ना हो, यानी तुम मत उसमें शामिल हो, जो कर रहे हो उसे करने दो, टिप्पणी भी मत करो, गुड तुम करो जी, वरन, अरे ये तो बहुत कठिन बात, कोई नहीं देता, कोई नहीं देगा, मालूम कौन देगा? सत्य का आत्मा अगर आपके जीवन में होगा तभी आपके पास पावर होगी उलाना देने की, वरना आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि एक उंगली आप यूं करेंगे तो उधर से 100 उंगली आपकी तरफ उड़ जाएगी। तुम कैसे कह रहे हो? सत्य का आत्मा होगा, बॉर्न अगेन होंगे, और पवित्र आत्मा के बिना आप उलाना दे पाएंगे नहीं। ऐसा कौन सा सेवक है आज के युग में जो उलाना दे रहा हो? सब सहमत हैं, सब सहमत हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम पाप, उस समय भी पापी हो जब तुम उद्धार पाने के बाद जो पापी लोग हैं उनकी संगति में जुड़कर उनके साथ सहमत हो रहे हो, देन यू आर ऑल्सो इक्वल टू सिन, इक्वल सिनर। चोरी नहीं कर रहे हो,
चोरी देने चोरी करने वाले का साथ दे रहे हो, उसको अप्रूव कर रहे हो, तो तुम चोर हो के नहीं हो, मास्टरमाइंड हो तुम तो, कि कर नहीं रहो लेकिन करने के लिए अनुमति दे रहे हो, सहमति कर रहे हो। ये परमेश्वर का वचन है और इसीलिए वचन हार्ड है। और लिखा है उन पर उल्हाना दो क्योंकि उनके गुप्त कामों की, अंधकार के गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। और इसके साथ एक पद और पढ़ दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों बोल रहा है। दूसरा कुरंथियों 6 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ दीजिए। दूसरा कुरंथियों 6 अध्याय और उसका 14 पद। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। जब आप बॉर्न अगेन हो गए, अब आप ज्योति के संतान बन गए और आप अंधकार वालों के साथ सहमत हो रहे हैं, इसमें फेलोशिप नहीं होनी चाहिए। दो अलग अलग बीज हैं, दो अलग अलग संतानें हैं, आप इनके साथ कैसे सहमत हो सकते हैं? ज्योति के लोग कैसे पहचाने जाएंगे जो अंधकार के लोगों के साथ सहमत नहीं होंगे, ना उनके साथ मिक्सअप होंगे, ना उनकी संगति की इच्छा करेंगे, दूर भागेंगे। ये और ये आपकी चॉइस पर है, परीक्षा यही है, आपके सामने चॉइस रहेगी। परमेश्वर इस चीज में आपको बाध्य नहीं करेगा कि डंडा लेके खड़ा मारेगा, वो आपको बस ये छूट देता है कि देखें ये कब इन चीजों से अपने आप को अलग करेगा। मैं आपको एक अनुभव बताता हूं अपना। जब हम बॉर्न अगेन हुए, पहली बात हमको पता नहीं था कि बॉर्न अगेन होता क्या है। सच बताएं आपको, हम बॉर्न अगेन हुए हमको पता भी नहीं चला, लेकिन हमारे अंदर एक टेंडेंसी डेवलप होने लगी कि हम हर चीज पे सच्चाई को लेकर प्रश्न करने लगे। तो हमें कुछ अच्छे सेवक मिले जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया और उन्होंने हमको कुछ बातें बताई और ये बोला कि देखो तुम किसी संस्था में जाओगे, किसी डिनोमिनेशन में जाओगे तो उनकी शिक्षा का तुम्हें पालन करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। लेकिन अगर तुम सत्य चाहते हो तो तुम्हें परमेश्वर से आग्रह करना पड़ेगा, प्रभु मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर और मुझे उस सत्य से अवगत कराइए जो वो परमेश्वर, जैसे उसने बाकी लोगों को, आप बाइबल में ढेरों लोग हैं, देखिए परमेश्वर ने कैसे काम किया, किया के नहीं किया। परमेश्वर काम कर लेता है चाहे जैसे भी हो, आपकी इच्छा अगर है तो आपके लिए काम करेगा, नहीं है तो फिर नहीं। और मेरी इच्छा प्रबल होती गई और प्रभु ने काम करना शुरू किया और आज मैं आपके सामने हूं। उन चीजों से अपने आप को, हम बहुत बार बहुत सी शिक्षा की बहुत सी बातों में हम समर्थन करते थे, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, वो इमेच्योरिटी की स्टेज रहती है क्योंकि हमारे पास इतनी समझ नहीं थी। परमेश्वर इतना मेच्योरिटी देने लगा कि हमको ये पता चलने लगा नहीं, परमेश्वर एक्यूरेसी पसंद करता है तो हमको एक्यूरेसी की तरफ बढ़ना है। तब हमने शार्प देखना शुरू किया कि नहीं, हाँ की हाँ और ना की ना वाली स्टेज तक हमको मेच्योर होना है। हम कभी कभी मालूम क्या, हाँ भी और ना भी दोनों करते थे किसी मैटर में, लेकिन परमेश्वर हमको इतना मांझ रहा था, इतना मांझ रहा था, इतना मांझ रहा था कि नहीं, हाँ की हाँ और ना की ना करनी, तुझे हाँ और ना दोनों नहीं करनी, 50-50 वाली स्टेज से बाहर निकालना। और ये बहुत लंबे समय तक रहता है। अपने विभिन्न रूपों में अंधकार को बुराई के रूपक के रूप में देखा जा सकता है। ये दुष्टता, अनैतिकता और शैतान के कामों से जुड़ा हुआ है। जो लोग अंधकार में चलना चुनते हैं वे पापपूर्ण व्यवहार में लिप्त और सत्य और धार्मिकता के बारे में उनकी धारणा विकृत होती है। उन्हें अक्सर परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने और उसके प्रकाश से अलग होने की विशेषता होती है।
अंधकार का संबंध छल कपट से है। जिस तरह भौतिक अंधकार आंखों से चीजों को छिपा सकता है, उसी तरह आध्यात्मिक अंधकार सत्य को छिपाता है और झूठ को बढ़ावा देता है। ये अज्ञानता और गलत धारणाओं की स्थिति को दर्शाता है जो लोगों को ईश्वर के मार्ग से भटका देता है। अंधकार का महत्व प्रकाश से इसके बिल्कुल विपरीत होने में निहित है। यह परमेश्वर की धार्मिकता की शक्ति और महिमा की याद दिलाता है तथा मोक्ष की ओर मार्ग को रोशन करता है। अंधकार को एक आध्यात्मिक स्थिति के रूप में स्वीकार करके व्यक्ति अपने पापपूर्ण तरीकों को त्यागने और परमेश्वर की सच्चाई और मार्गदर्शन के प्रकाश की तलाश करने का प्रयास कर सकता है। आपको कोशिश करनी पड़ेगी उस मार्गदर्शन की जो प्रकाश के द्वारा होता है। प्रकाश जलने वाली चीज नहीं है, प्रकाश आपके जीवन से रिफ्लेक्ट होना है। कैसे? जैसे सूरज से चांद की रोशनी धरती पर चमकती है। कब? जब अंधियारा होता है पृथ्वी पर, तो सूर्य दूसरे सिरे पर होता है पृथ्वी के। पृथ्वी के आधे भाग में हमेशा अंधेरा होता है, ये परमेश्वर ने बनाया। अब आपने इसमें क्या देखा? हम और आपका जीवन के दो पहलू हैं, एक प्रकाश वाला और एक अंधकार वाला। प्रकाश वाला हिस्सा मालूम कौन सा है? जो लोग आपको देख रहे हैं और जितना आपको जानते हैं, ये प्रकाश है। और अंधकार वाला हिस्सा मालूम कौन है? जो केवल परमेश्वर और आपका आत्मा जानता है कि आप कौन है। ठीक, तो आपके अंदर क्या है? आपके अंदर क्या भरा हुआ है? अंधकार। मन में क्या भरा हुआ है? इतना स्लो। क्या भरा हुआ मन के अंदर? अंधकार। आपके विचारधारा अंधकार नहीं है, आप तुक्केबाजी करते रहते हर काम, अंधकार। और परमेश्वर ज्योति है, तो जब परमेश्वर की ज्योति आती, कितनी आप रिसीव करते हैं? एक आध पॉइंट लेते, बाकी अपनी उसमें अंधकार की बातें मिला लेते, मिक्सचर हो जाता है। एज इट इज लेना एब्सोल्यूट, मिलावट नहीं करनी है। और बाइबल में अंधकार और प्रकाश दोनों के बारे में देखिए, दोनों कॉन्ट्रास्ट हैं, एक दूसरे के विपरीत। बाइबल में अंधकार और प्रकाश का प्रमुख प्रतीकात्मक अर्थ है। अंधकार अक्सर न्याय, प्रकाश की अनुपस्थिति और उद्धार ना पाने वालों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर था, दो पहर से तीसरे पहर तक अंधियारा छा गया था। यह पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा संदेश है, पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी गवाही दे रहे हैं कि ज्योति को मार दिया गया। लेकिन ज्योति मरती नहीं है, ये तो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए उसकी ओर से था, वरना किसी की मजाल है कि उसको मार दे, वो मर ही नहीं सकता था। निष्पाप को कौन मार सकता है? आत्मा को कौन मार सकता है? प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाली आत्मा था, ज्योति का, ज्योति की आत्मा, ज्योति की आत्मा, सत्य की आत्मा, कोई मार सकता है? अरे ये संसार ने उसको, यानी हमारा ज्ञान, मनुष्य का सारा ज्ञान, सारी फिलॉसफी यहां पर फेल हो गई, क्योंकि ये तो परमेश्वर की योजना थी। ये परमेश्वर की योजना थी कि तुम लोगों को ऐसा लगे कि देखो हम जीत गए, अंधकार की शक्तियों को लगे वो जीत गई। लेकिन होगा इसका उल्टा, जीतेगा केवल एक ही, वही जयवंत है पाप पर और मृत्यु पर, और वही हमारा उद्धार करता है। गुड न्यूज हमारे लिए ये है कि हमारा उद्धार करता मृत्यु पर और पाप पर जयवंत है, और हमारा उद्धार करता है, तो हमें भी जयवंत कर सकता है, पाप पर भी और मृत्यु पर भी। ये हमारे लिए गुड न्यूज है, और हमें इस न्यूज को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। ये परमेश्वर से अलग और पाप में डूबे लोगों की आध्यात्मिक स्थिति का प्रतीक है। और अंधकार के बाइबल अर्थों में अज्ञानता, बुराई और मृत्यु और अराजकता शामिल है। एक पद मेरे साथ निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय,
दूसरा कुरंथियों 4:3 से पढ़िए, 3 और 4 पढ़ दीजिए। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे का मतलब क्या? हम आपको बताते, ये पत्री लिख कौन रहा है? पौलुस। तो पौलुस कुरंथियों की कलीसिया को पत्री लिख रहा है, तो ये हमारे का मतलब पौलुस कह रहा है। जो सुसमाचार पौलुस का सुसमाचार है उसके विषय में पौलुस कह रहा हमारे, यानी कुरंथियों की कलीसिया को पौलुस ने जो सुसमाचार सुनाया उस सुसमाचार के विषय में लिखा है कि यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि ओफो। ये वाला सत्य कभी का आपने सुना है? बाइबल में पढ़ा होगा, बहुत बार समझे नहीं होंगे। इसका मतलब कुरंथियों की कलीसिया में ढेरों लोग ऐसे थे जो पौलुस जो सुसमाचार उनको दे रहा था, सच्चा सुसमाचार, उसको विश्वास नहीं कर रहे थे। तब पौलुस को यह कहना पड़ा कि उनके दिलों पे ये पर्दा इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि वो नष्ट होने वाले, उद्धार पाने वाले होते तो विश्वास करते, नहीं विश्वास कर पाए तो ये नष्ट होने वाले। बिल्कुल आर पार दिखा रहा जी आगे, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके जो विश्वास नहीं करते जी। क्योंकि पौलुस कह रहा हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं, तब लोग नहीं ग्रहण कर रहे थे, और आज लोग अपना प्रचार कर रहे हैं खुद कि हम तुमको उद्धार देंगे, हमारे पास आओ हम तुमको ये देंगे, और लोग विश्वास कर रहे हैं। ये बात यीशु मसीह ने बोली थी कि कोई अपने नाम से आएगा उसको ग्रहण कर लेंगे, मुझे नहीं करेंगे। ये विकृति है और ये सत्य है, और आज आपको ये बहुत आसानी से देखने को मिल रहा है। इसके लिए भी धन्यवाद कीजिए समय का कि आज ऐसा समय है। अंधकार के बाइबल अर्थों में अज्ञानता, बुराई, मृत्यु और अराजकता शामिल है। बाइबल में कई उदाहरण अंधकार के प्रतीकात्मक निहितार्थों को उजागर करते हैं। निर्गमन में अंधकार उन 10 विपत्तियों में से एक था जिसने मिस्र को घेर लिया था, जो फिरौन की दुष्टता पर परमेश्वर के न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। यशाया की पुस्तक में अंधकार का उल्लेख उन लोगों के लिए अंतिम भाग्य के रूप में किया गया है जो परमेश्वर के उद्धार को अस्वीकार करते हैं। देखो निकाल लीजिए यशाया 60 उसका 2 पढ़िए, यशाया 60 का 2। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों को, यहां राज्य राज्य का मतलब है देश देश के लोगों को जी, घोर अंधकार छाया हुआ, बिल्कुल परफेक्ट है एकदम जी। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। बस प्रकाश और अंधकार, प्रकाश अंधकार का विरोधी है जो ईश्वर की उपस्थिति, सत्य और मोक्ष का प्रतीक है। यह ईश्वर के साथ रिश्ते में पाई जाने वाली आध्यात्मिक प्रबुद्धता और आशा का प्रतिनिधित्व करता। क्या प्रकाश? आज मालूम है लोग प्रकाश की पूजा करते हैं, लॉजिक क्या नहीं मालूम। किसी चीज का आप मान लीजिए दीपक जला रहे हैं, अंधेरे स्थान में दीपक जलाना अच्छी बात है, लेकिन यह भी देखिए कि आप कौन सी आज देखिए इलेक्ट्रिसिटी है, जगह जगह लाइटें हैं, आप कौन सी जगह है जहां पर आप, कौन सा अंधेरा है जहां पर आप आज रोशनी करें फिजिकली? कोई जगह नहीं। और अगर कहीं अंधेरा है तो इलेक्ट्रिसिटी से रोशनी करने का हमारा प्रयोजन है, दीपक कहां जलना है फिजिकली बताइए? इलेक्ट्रिसिटी के एज में
इलेक्ट्रॉनिक के युग में आप दीपक काहे जला रहे? लॉजिक क्या है? इलॉजिकल है कोई बोल। हां, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, तो दीपक का रूपक हमारी आत्मा, हमारा प्राण है, वो है दीपक, और तेल पवित्र आत्मा है, और वचन आग है। तो पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रज्वलित हो और परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन से प्रकट हो, ये लॉजिक है। आज इस लॉजिक को कोई नहीं मानता, वो पौराणिक दीपक जला अंधकार, मन अंधकार से भरा हुआ है और सोच विचार कल्पना सब भावना इच्छा सब अंधकार में, माइंड में अंधकार का मतलब आपकी इच्छा भावना कल्पना सब अंधकार, टोटल इलेक्ट्रिसिटी गायब है। प्रकाश अंधकार का विरोधी जो ईश्वर की उपस्थिति सत्य और मोक्ष का प्रतीक है, यह ईश्वर के साथ रिश्ते में पाई जाने वाली आध्यात्मिक प्रबुद्धता और आशा का प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरह भौतिक प्रकाश अंधकार को दूर भगाता, उसी तरह ईश्वर का प्रकाश पाप और बुराई को मिटा देता है। यीशु ने यूहन्ना 8 अध्याय और उसके 12 पद में क्या कहा, पढ़ के देखिए, 8 अध्याय के 12 पद में क्या बोला था उसने? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, ये स्पिरिचुअल लाइट की बात कर रहा है, आध्यात्मिक ज्योति जगत में मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा। अब आप देखिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, ज्योति कौन है और आप क्या हैं? अंधेरा। तो उससे आपको क्या मिल रही? तो आपके जीवन से लोगों को क्या दिखनी चाहिए? किसकी रोशनी? तो यीशु मसीह को अगर आप उसके पीछे चल रहे हैं तो उसकी ज्योति आप में और आप में से रिफ्लेक्ट करके लोगों को दिखाई देगी, तब आपको लोगों को कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद कहेंगे आप कहां जाते हैं। ज्योति दिखनी तो चाहिए ना, नहीं दिख रही, इसका मतलब आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे। पकड़ में आई? आप अंधेरे में चल रहे हैं, तुक्का तुक्की चल रहे हैं। आप सच्चाई से, सत्य क्या है? प्रकाश। इसको आप वचन को अभी तक यहीं रखे हुए, इसको हजम नहीं कर रहे हैं कि आप ग्रहण कर लें, अभी भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं। जिस तरह भौतिक प्रकाश अंधकार को दूर भगाता है, उसी तरह ईश्वर का प्रकाश पाप और बुराई को मिटा देता है। मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब बताइए, रिलीजन आया? रिलीजन आया? बल्कि आपको वो रिलीजन से निकालकर ज्योति की संतान बनाना मांग रहा है, और आप कहां पे हैं? वो निकालेगा नहीं, वो आपकी इच्छा पर है। आप, तुमको लगता है कि ये अनुचित है, मुझे निकलकर ज्योति में आना चाहिए, लेकिन लोगों का डर, समाज का डर, डर भी तो बैठा हुआ है ना, और डर क्या है मालूम? अंधकार। अंधकार आपके अंदर, अंधकार डर के रूप में, लोग क्या कहेंगे, मेरा क्या होगा। बाइबल में अंधकार का उल्लेख कितनी बार किया गया है? अरे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल में ज्योति और अंधकार साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। आपको समझना पड़ेगा, अंधेरा शब्द के विभिन्न रूप पूरे शास्त्र में दिखाई देते हैं। अंधेरा शब्द का उल्लेख 43 बार किया गया है, जबकि अंधेरा एक बार, अंधेरा किया गया का उल्लेख 19 बार, अंधेरा होता है एक बार, अंधेरा जैसा एक बार, और अंधेरे से एक बार दिखाई देता है। बाइबल में अंधकार का बार बार उल्लेख इसके प्रतीकात्मक महत्व को उजागर करता है। अंधकार अक्सर बुराई, ईश्वर से अलगाव और अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रकाश के विपरीत कार्य करता है, जो धार्मिकता, ईश्वर की उपस्थिति और समझ को दर्शाता है। बाइबल में अंधकार की उपस्थिति प्रकाश के महत्व और अंधकार की शक्तियों पर विजय पाने और संघर्ष को रेखांकित करती है।
ये एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि विश्वासियों को अपने कार्यों और विश्वास के माध्यम से दुनिया में प्रकाश लाने और अंधकार को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बाइबल में अंधकार का बार बार उल्लेख उन विभिन्न उदाहरणों को भी दर्शाता है जहां अंधकार का उपयोग गहरे अर्थों और आध्यात्मिक सत्यों को व्यक्त करने के लिए एक साहित्यिक उपकरण के रूप में किया गया था। सृष्टि की कहानी से लेकर नैतिक और आध्यात्मिक अंधकार के वृत्तांतों तक बाइबल लगातार अंधकार पर विजय पाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता और ईश्वर के प्रकाशन यानी रहस्य उद्घाटन की शक्ति पर जोर देती है। बाइबल में अंधकार के बहुत प्रकार हैं और ये रिपीटेडली यानी जो चीज जैसे आप आवर्ती का मतलब समझते हैं, आवर्ती का मतलब फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है जैसे आप एक वो होती है सेविंग स्कीम होती है आरडी, रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है हर महीने आप एक अमाउंट कहीं पे जमा करते हैं, रिकरिंग, आवर्ती इसी को बोलते हैं। आपका परमेश्वर की उपस्थिति में आते रहना ये एक क्रिया है, आप आ रहे हैं, लेकिन आपकी इस आते रहने में आपके स्वभाव में आपके चरित्र में क्या परिवर्तन हुआ, आपका परमेश्वर के वचन के प्रति दृष्टिकोण में क्या महत्व क्या क्या परिवर्तन हुआ, आपकी जीवन शैली में क्या परिवर्तन हुआ, आपकी विचारधारा में आपकी कल्पना में क्या परिवर्तन हुआ, आपकी इच्छा और भावना में क्या परिवर्तन हुए, ये प्रकट होना चाहिए ना। और अगर आपके कई साल हो गए आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं, ना दृष्टिकोण में, ना इच्छा में, ना भावना में, ना कल्पना में, न जीवन शैली में, न चरित्र में, न व्यवहार में, कहीं कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब क्या है, वहीं के वहीं, इसका मतलब आप वचन को मूल्य नहीं दे रहे हैं, यानी आप उसको मूल्यवान नहीं समझ रहे हैं। एक पद निकालिए, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, 6 अध्याय का 12 पद पढ़िए। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। किसका मलयुद्ध? कलीसिया का। आप कलीसिया में आ रहे हैं, बोलिए हाँ, आप कलीसिया में आ रहे हैं और कलीसिया की लड़ाई किससे है? दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है और आपने अपने आप को प्रभु के अधीन नहीं किया, तो दुष्ट की आत्मिक सेनाएं आपके साथ क्या करेंगी, सोचा है कभी? दुर्दशा आपकी कर देंगी, आपके पारिवारिक जीवन के, आपके व्यक्तिगत जीवन की, और आप ये सोचेंगे प्रभु क्यों नहीं बचा रहा है, प्रभु क्यों नहीं मदद कर रहा है। ये तरीका नहीं होता मदद करने का। आप प्रभु की देह में सत्य में बढ़ेंगे तो बचेंगे, और जहां के तहां रहेंगे तो नहीं बचेंगे। आप समझ में आया? खतरा है ना, खतरा है। अगर आपने अपने मुंह से कह दिया यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु है, तो आप जहां से निकले, आप इस चीज को पीछे हमने दिखाया तो कितनी बार दिखाया कि जब वो इसराइली निकल के आ रहे थे तो मिस्री पीछे से सेना के साथ पीछा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? उनसे कौन निपटा था? परमेश्वर निपटा था। कब निपटा था मालूम? कंडीशन देखिएगा, वो खड़े नहीं रहे, उनकी मजबूरी थी आगे भागना। आप तो खड़े हैं, आप तो खड़े हैं, जो रिस्पॉन्ड आपको अभी तक दे देना चाहिए था वो नहीं दिया, आप खड़े हुए एक जगह,
आप विश्वास से चल नहीं रहे, आप अपने जगह जीवन में ठहरे हुए, और जब तक आप ठहरे रहेंगे अटैक होते रहेंगे, गारंटी नहीं है। क्योंकि प्रभु तो आपको कह रहा आगे बढ़ो, मूसा को क्या डांट पड़ी थी कि तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, पिलाठी समुद्र की ओर बढ़ा और वो दो भाग हो जाएगा। मूसा को भी डांट पड़ी थी ना, वो भी खड़ा था प्रभु कुछ करेंगे, और प्रभु ने कहा कि मैंने तुमको जो हुक्म दिया है हुक्म मानो, वचन दिया हुक्म मानो, वचन को मानो और वो करो जो मैं बोल रहा हूं और काम होने लगेगा। आप वचन मानना शुरू कर दीजिए, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल चल रही है, बहुत परेशान है, विकल्प नहीं मिल रहा है, बच्चों से परेशान है, समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं, जिनका आपको कहीं कुछ नहीं दिख रहा है कि कहीं कहां से मदद आएगी, ऐसा है पक्का? छुटकारा चाहिए, तरीका बता रहे हैं। परमेश्वर का वचन ग्रहण करो और फॉलो करो, रोज ग्रहण करो, रोज फॉलो करो, पढ़ो, सुनो, जहां से छोड़ा वहां से सुनना शुरू करो, ग्रहण करना, उस पर अमल करना शुरू कर दो, देखो परमेश्वर अपना काम शुरू कर देगा। परमेश्वर को यह नहीं कहने की जरूरत है प्रभु ये कर दे, प्रभु की आज्ञा मानोगे काम प्रभु अपना खुद करता है। वो आपके लिए बैठा नहीं कि आप उसको आज्ञा दो के वो करे, आप उसकी आज्ञा मानो वो काम करेगा। आज्ञाकारी बनो। अंधकार में तो संसार है, लेकिन प्रभु जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। चैलेंज है ये, यीशु मसीह का चैलेंज है। आप चलना तो शुरू कीजिए उसके पीछे, ज्योति में चलना शुरू कीजिए, देखिए आपके जीवन से अंधकार भागने लगेगा। एक पद यहां पर रह गया था, इसको पढ़ दीजिए, दूसरा कुरंथियों उसका 4 अध्याय का 4 पद पढ़ा था ना, 5वां पद भी पढ़ दीजिए। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। अब आप यहां पे आपने देख लिया ना, अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुलसियों की पत्री उसका 1 अध्याय, कुलसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय, पहले अध्याय का 15 पद पढ़िए। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कौन? प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। अब इसका 13 और 14 पद पढ़ दीजिए। उसी ने अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में कब कराया? क्रूसीफिक्शन में अंधकार से वो जयवंत हो गया था, मृत्यु पर और पाप पर जो अंधकार के द्वारा दिखाया जा रहा था। और जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो वो आपको आपके राज्य बदलता है, वो अंधकार से निकालकर ज्योति में प्रवेश कराता है। इसी को बॉर्न अगेन बोला गया है, एक नए जीवन में आपके अंदर एक जीवन की एक ज्योति आ जाती है कि अरे हम कर क्या रहे थे, अज्ञानता में लगे हुए थे और प्रभु ने सब कुछ कर दिया, हमें पता ही नहीं था। आज संसार इसी दशा में है, संसार सारे प्रयास करने में लगा हुआ है
जिस मोक्ष के लिए लोग लगे पड़े हैं, प्रभु ने कर दिया है, विश्वास करो और आगे बढ़ो, बॉर्न अगेन, उसके बिना वो तुमको मिलेगा नहीं उसका शासन। और मनुष्य, समस्त मानव जाति परमेश्वर के इस अद्भुत कार्य के विरोध में क्रिया लेकर खड़ी है कि हम अपना उद्धार ऐसे करेंगे, क्रियाएं। इसलिए यहां पर लिखा है उसी ने हमें, किसने, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है, उसी ने हमें अंधकार के वर्ष से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो इसमें पिता और पुत्र दोनों आ गए और पवित्र आत्मा भी आ गया, ट्रिनिटी काम कर रही है। ये काम कलीसिया में ही संभव है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। और आगे पढ़िए 14 पद क्या लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात, और जैसे ही आपको पापों की क्षमा प्राप्त होगी आपको चंगाई मिल जाएगी, आपको जीवन मिल जाएगा, आप मृत्यु को पार कर देंगे और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम भर जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। परम पवित्र परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस अद्वितीय प्रेम के लिए, उस अद्वैत कार्य के लिए प्रभु, जो क्रूस पर आपने किया है, जो कोई और कर ही नहीं सकता, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, और जो आपके द्वारा संभव है, जो मनुष्यों के लिए असंभव था, मनुष्य के किसी भी तरीके में वो संभव हो ही नहीं सकता, प्रभु आपने वो कार्य किया है, हमें अंधकार से ज्योति में प्रवेश कराया, हमें मृत्यु से जीवन की ओर प्रवेश कराया, ताकि हम मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ें और आपकी महिमा से हमारा जीवन भरता जाए, ताकि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर आपकी महिमा का कारण हो और प्रभु का नाम हम सब के द्वारा महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।